ऐसा कर दिया है तो गन्ना में आग फूक देंगे। नहीं होगा, आग फूकेंगे और कौन चीज करेंगे। धान नहीं हुआ, किसान क्या करेगा, मरेगा कि कौन चीज करेगा। न सरकार देखता है, न कोई देख रहा है, मिल मालिक देखता है। मिल प्रबंधक के नाव से या सरकार के नाव से हम लोग गन्ना में आग फूक रहे हैं, आग फूकेंगे और कौन चीज करेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अपनी फसलों को आग लगाने की बात करने वाले ये किसान हैं सीतामढ़ी के। खून और मेहनत की फसल का कोई खरीदार नहीं, ऐसे में मरता किसान क्या करे। अब खुद अपनी फसल को जलाने की बात कर रहे हैं। दरअसल जिले का इकलौता शुगर मिल बंद पड़ा है और अब रीगा शुगर मिल के सीएमडी ने मिल नहीं चलाने की बात कहकर इलाके के किसानों की परेशानी जो है उसको बढ़ा दी है। क्या कहना है, इस बार मिल चालू नहीं हुआ है और गन्ना का क्या होगा इस बार के गन्ना का? देखिए, पहले से मिल मालिक कोई सूचना दिया नहीं जो मिल इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा। इस हिसाब से हम लोगों ने गन्ना का खेती किया है पर अब आगे कुछ समझ में आ नहीं रहा। हम लोग के एरिया में कर्सर चलता नहीं है जो गुड़ का भी काम हो सके, गुड़ में भी यूज हो सके। हम लोग के इधर मिल के भरोसे ही काम होता है। अब इस बार मिल की तरफ से कोई सूचना नहीं दिया गया है जो मिल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। बहुत सारे लोग गन्ना का खेती किए हुए हैं, उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है गन्ना क्या करेंगे। बाबा क्या कहना है, इस बार मिल प्रबंधन भी मिल बंद करने कर दिए हैं। तो मिल प्रबंधन कर दिया है तो गन्ना में आग फूक देंगे। 2 साल के पैसा भी रखे हुआ रीगा फैटी, गत सीजन वाला ये आया 12 साल। नहीं होगा, आग फूकेंगे और कौन चीज करेंगे। धान नहीं हुआ, किसान क्या करेगा, मरेगा कि कौन चीज करेगा। सीतामढ़ी के करीब 30,000 गन्ना किसानों का तकरीबन 14 लाख क्विंटल गन्ना अब तक खेतों में लगा है। मिल चालू नहीं होने से गन्ना की कटाई नहीं हो रही है, ऐसे में खेत खाली नहीं होने से किसान अगली फसल नहीं लगा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले सीजन से लेकर अब तक किसानों का मिल प्रबंधन पर करीब 125 करोड़ रुपए बकाया है। लेकिन इस मसले पर संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा का कुछ और ही कहना है, जरा सुनिए। इस बार देखा जा रहा है काफी खेतों में गन्ना लगा हुआ है और मिल बंद है, क्या होगा इस बार किसानों का? असल में जो है मिल मालिक की जो नीयत है वह सही नहीं है। मिल मालिक मिल चलाना नहीं चाहता है क्योंकि जो मिल का पैसा है वह पर्सनल इस्तेमाल में लगा दिया, चाहे वो बैंक लोन लिया है, चाहे शुगर से जो पैसा आया, डिस्टिलरी से पैसा आया, फर्टिलाइजर से आया, कोजन से आया, सारा पैसा पूंजी भी नहीं रख सका ही और सब पैसा इधर से उधर कर दिया। अब इसको पैसे के अभाव में मिल चलाना नहीं चाहता है तो ये बहानेबाजी बहुत करता है, मुख्यमंत्री पर, केंद्र सरकार पर, कर्मचारियों पर, इस सब पर आरोप लगा करके चाहता है कि किसी बहाने से मिल न चला। अब इस पूरे मामले पर रीगा के इकोदात्मक संघ के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जी, इस बार खेत में काफी गन्ना लगा हुआ है, किसानों का कहना है जो पिछले साल का भी भूखा बकाया है और इस बार वो लोग किसान करे तो क्या करे आखिर गन्ने का इस बार के। मरता क्या नहीं करता, किसान को तो लोगों ने बेचारा बना के छोड़ दिया। इस साल रीगा चीनी मिल के क्षेत्र में बहुत कम गन्ना है, तो 14-15 लाख क्विंटल गन्ना है, करीब 50 करोड़ रुपए का तो ये खेत में खड़ा है। और अंतिम क्षण में मिल के मालिक ने सरकार को लिख के दे दिया कि हम मिल चलाने में सक्षम नहीं है। बहरहाल जरूरत है कि सरकार मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान निकाले ताकि किसानों को अपनी खून पसीने की फसल जलानी ना पड़े।